जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आमरण स्थल पर कहा कि उनका आमरण अनशन तभी खत्म होगा जब केंद्र सरकार दो बच्चों का कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये बात उन्होंने पीएम के विशेष सलाहकार के विशेष बुलावे पर जाने से पूर्व कही। और ये जनसंख्यिकीय असंतुलन जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ हो 76 वर्ष पूर्व, पुनः भारत विभाजन की स्थिति न बने इसको लेकर 10 वर्षों से जनसंख्या संबंधी अभियान चला रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। हमारा कहना है कि ये जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठ के देश के सभी नागरिकों पर ये कानून लागू हो, और कानून बनने के एक वर्ष के बाद जो दंपत्ति कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करें उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ ही साथ उनका वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। फिर भी ना माने चौथे बच्चे की ओर जाए तो उसे राष्ट्रद्रोह माना जाए, क्योंकि 143 करोड़ हम हो गए हैं, विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है और 18% आबादी का भार ढो रहे हैं हम भारत की भूमि पर। इसलिए अगर चौथे बच्चे की ओर जाए तो उसे राष्ट्रद्रोह मानते हुए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी गत 16 दिन से साहिबाबाद में दो बच्चों का कानून बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। सोमवार को हापुड़ से राजेंद्र गुर्जर, सुंदर कुमार आर्य, शशि गोयल, मनोज अग्रवाल, कमल सिंह आदि आमरण स्थल पर पहुंचे और अनिल चौधरी का उत्साहवर्धन किया। आमरण स्थल भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा।